नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 3। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखेंगे एक्सेल शीट के माध्यम से बल्क अपलोड किस तरीके से कर सकता है। सो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपके पास जब भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, जब भी लाखों लाखों प्रोडक्ट अभी रेडी स्टॉक है, तो इन केस में आपको परचेस एंट्री वन बाई वन करना, इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए आपको ये वाला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, जो एक्सेल शीट के माध्यम से आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स बल्क अपलोड कर सकता है। उसके लिए जो समाधान है दोस्तों, अभी देखो, उसको जाने के पहले मैं आपको रिपोर्ट्स में आपको स्टॉक रिपोर्ट एक बार दिखा देता हूँ। इसमें कुछ दिस मच ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, ज़्यादा कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। तो हमने एक्सेल शीट के माध्यम से बल्क अपलोड करके आपको एक बार दिखा देते हैं। उसके लिए जाना दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल के जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए प्रोडक्ट्स में चला जाइए, तो इसमें इतना देखो 15 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है इसके अंदर, स्टॉक यानी हमने स्टॉक डाला हुआ है। तो अभी आपको फॉर एग्जांपल इसको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना है, यानी मोर प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए आपको यहाँ उसको ऑप्शन दिया हुआ है, देखो डाउनलोड सैम्पल फॉर्मेट, क्लिक कर दीजिए और उसको देखो पीसी सेलेक्ट कर दीजिए और डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ओके करने से सीधा सीधा यहाँ आ जाती है दोस्तों, देखो ये जो आया हुआ है, ये देखिए प्रोडक्ट फॉर्मेट मटेरियल बोल के शॉर्ट में आती है। यहाँ आपको प्रोडक्ट का नेम डालो जो भी है, फॉर एग्जांपल मग और बैग, यानी पर्स, यानी फॉर एग्जांपल टीवी और मॉनिटर और यूपीएस, जितनी भी प्रोडक्ट है आपको उसके अंदर आपने ऐड करके चला जाइए। सब कैटेगरी में मैंने 1 डाल दिया, इसका रीज़न मैं आपको तुरंत बता देता हूँ ये क्यों 1 आया है। आपको दूसरा भी डाल सकता है, देखो इधर यानी मास्टर एंट्री में आपको इधर सब कैटेगरी जो डाला है, तो हमने इधर आईडी फॉर्मेट में क्रिएट किया, क्योंकि हमने बार बार ये जो सब कैटेगरी टाइप करेंगे हम शायद मिस्टेक भी कर सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसके वजह से फॉर एग्जांपल आपने वहाँ 1 डाल दिया, आपको जनरल कैटेगरी में चला जाएंगे, और 2 डालेंगे आपको वेजिटेबल्स के कैटेगरी में चला जाती है। तो आपको जो चूज़ करना, जो जिस फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी में ही अपलोड करना है, आपको इधर 1 डाल दीजिए। एचएसएन कोड है तो आपको डाल दीजिए, अदरवाइज 0000 डाल दीजिएगा, ठीक है। ये पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज खाली छोड़ो, कोई मुश्किल नहीं है, मात्र वो 2 पोर्शन, ठीक है जी। इनकेस नहीं है तो ठीक है, यानी परचेस रेट आपको डाल सकते हैं 10 रुपया या 20 रुपया है या 30 रुपया, जो भी है आपको। मैंने जैसे सीक्रेट्स में डाल दिया, लेकिन आपका जो परचेस प्राइस है आपने इसमें डाल दीजिएगा है, तो अदरवाइज परचेस प्राइस आपने 0 रखेगा तो भी कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। यानी 60 डाल दिया, रिटेल प्राइस आपने डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल 20 रुपया या 40 रुपया है या 50 रुपया है और 60 रुपया है, यानी 80 रुपया है और 100 रुपीज़ यानी 200 रुपीज़, जो भी आपको सेल रेट डालने डाल दीजिए। डिस्काउंट का परसेंटेज वगैरह है तो डाल दीजिए, अदरवाइज 0 डाल दीजिए, और डिस्काउंट परसेंटेज डाल दीजिए तो वो भी आ जाती है। और जीएसटी का परसेंटेज क्या है आपको, यानी डालना है तो डाल दो, अदरवाइज डाल सकते, कोई प्रोडक्ट में जीएसटी है तो वो डाल दीजिए, सिक्स में 0 डाल दीजिए, है ना। मैंने 6 करके डाल दिया, तभी मतलब 12% है CGST, 6% SGST, 6%। होलसेल प्राइस अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, बढ़िया है, यानी उसको भी मैं किस तरीके से सेल में आती है आपको बहुत काम पे आती है, होलसेल में और रिटेल में दोनों में आपने सेल कर सकता है। इसको 18 रुपीज़ डालना, मैंने इसमें से 2 रुपये कम करके मैंने डाल रहा हूँ, ठीक है जी। और 45 रखा मैंने, इसको 50 रखा मैंने, सॉरी 50, और इसको 70 रुपीज़ रखा है होलसेल, एंड इसको 90 रुपये रखा है, और इसको 150 रुपीज़ रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल ये 120 पीसेस है या 220 पीसेस है या 360 एग्जांपल आपका जो स्टॉक कितना है, मैंने जैसे ही डाल दिया 400 पीसेस या 100 पीसेस या 200 पीसेस, कितना स्टॉक है आपको डाल दीजिए। बारकोड में आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, इनकेस कोई भी प्रोडक्ट में अगर रेडीमेड बारकोड अवेलेबल है तो आपने आपका माउस इधर रखे ना, उसको स्कैन कीजिए, वो नंबर इधर आ जाती है। बारकोड जो गन होती है ना, इस तरीके से जो स्कैनर होती है आपका, फॉर एग्जांपल इस स्कैनर से आप अपना प्रोडक्ट का जो बारकोड उसको स्कैन कीजिए, तो सीधा वहाँ आ जाती है। अदर इनकेस वो नहीं है तो आप क्या करना है, आप अपना एक सीरियस नंबर डाल के चला जाइए, यानी फॉर एग्जांपल 4001 या 4002, फॉर एग्जांपल
4002 इस तरीके से सीरियस में नंबर डाल के चला सकता है। इन केस मोस्टली मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आपके पास जो आती है उसमें रेडीमेड बारकोड्स हमेशा होती हैं, तो इन दैट केस आप उसी बारकोड को इधर स्कैन करने से फ़ायदा क्या होंगे, आप जब भी सेल करते वक्त आपको उसी बारकोड को स्कैन करके सेल कर सकता है, यानी अलग से बारकोड आपने प्रिंट करके अपने थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करके चिपकाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, समझ में आ गया ना जी। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। देखो परचेस यूनिट PCS, PCS में डाल दी जो भी है आपको, केजी में है, केजी में, लीटर में है, लीटर में, जो भी आपको करना आप कर दीजिएगा जी। सेल्स अल्टरनेट वन पीस करके डाल दें जो यूनिट कन्वर्शन का ऑप्शन जो बताएं, अगर इनकेस ये इधर बैग डाल दिए, इधर पीसेस डाल दिया, तो यूनिट कन्वर्शन 10 डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो एक बैग में 10 पीस है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने यूनिट कन्वर्शन फिलहाल नहीं डाला है, और यूनिट कन्वर्शन अगर यूज़ करना चाहते हो आपको वेट कीजिए अपना टू एडिशन का अपडेट, वो आपको मतलब ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, ऑटो अपडेट का ऑप्शन इसके अंदर है 2.0, अभी 1.9 है ना ऑप्शन। कन्वर्शन वैल्यू N1, मिनिमम स्टॉक, यानी मिनिमम स्टॉक वही है जी, यानी मिनिमम स्टॉक वही, मतलब आपको रिमेनर करने के लिए जो क्वांटिटी होता है ना वही होती है। फॉर एग्जांपल टू पीसेस में या पांच पीसेस आने के टाइम हमको रिमेनर चाहिए, यानी लो स्टॉक रिपोर्ट्स बोल के आती है। इसका सबको MRP भी आपने डाल दीजिए, यानी आपको यहाँ देखिए आपने सेल प्राइस क्या प्राइस डाला है, यानी फॉर एग्जांपल देखो सेल कहा सेल प्राइस का थोड़ा सा बड़ा, यानी बड़ा करके अपने MRP डाल सकता है यहाँ, या 20 रुपया है, समथिंग लाइक दैट, और सेम प्राइस भी आपने कॉपी करके रख सकता है, यानी सेल प्राइस MRP भी सेम प्राइस, सेल प्राइस भी सेम प्राइस, दोनों सेम भी रख सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आपने लाखों प्रोडक्ट इसके अंदर डाल दीजिए दोस्तों, लेकिन एक चीज़ ध्यान से रखना है, एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इधर ऐसे टाइप मार के कुछ छोड़िए मत। इनकेस आपने इस तरीके से रखा है ना, वो देखो ये यानी गलत है, यानी उसको इस तरीके से सेलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना, एकदम परफेक्टली यानी फिल कीजिए एवरीथिंग A to Z। आपको मात्र पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन फिल नहीं किया तो कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए हमने कंडीशन नहीं डाला है, बाकी जितना भी आप अपना इसको फिल कीजिएगा, ठीक है जी। आप इसको सीधा देखो इधर सेव कीजिए दोस्तों, सेव ऊपर एक अपना एक्सेल शीट का सेव बटन जो है ना, इसको क्लोज कर दीजिए एक्सेल शीट को बिल्कुल पूरी तरीके से, और आप सीधा चला जाइए अपना सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर वापस जाइए अपना जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन में एक बार चला जाइए दोस्तों, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ आपको देखो इसको 15 प्रोडक्ट्स आपको इधर ऑलरेडी जो पहले से लोडेड है, तो अभी फ़िलहाल क्या कीजिएगा, अपने इम्पोर्ट बटन में क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिए ना, इसको देखो ये वाला जो प्रोडक्ट फॉर्म्स ओपन कीजिए, तो ये हमने 6 आइटम्स जो बनाया था वो 6 पूरा इधर आ गया, ये एवरीथिंग ओके ना, तो आप इसको सीधा सेव बटन बोल के जो बटन दिया हुआ है यहाँ उसको क्लिक कर दीजिए और सक्सेसफुली सेव्ड, अभी पूरा प्रोडक्ट आ गया। तो इनकेस ये जो प्रोडक्ट अभी नया डाला ना, इसको बारकोड क्रिएट करना होती है, तो इनकेस आपको यहाँ जिस प्रोडक्ट को बारकोड है ही नहीं है वो यहाँ बारकोड जनरल बारकोड, तो ये जो जितना भी ये देखो आपको सब कुछ इधर आ चुका है, ये फॉर एग्जांपल ये देखो ये जो मग बोल के जो ऐड किया था ये सब कुछ अभी आया था, अभी जस्ट ऐड किया था ये वाला मग, और पर्स TV UPS सब कुछ हमने अभी ऐड किया था जस्ट, ये मग सेलेक्ट कर दिया, जो भी आपने सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर दीजिए, और देखो और पर्स सब ये सब कुछ अभी अभी ऐड किया था हमने, और चलो इसका सारे राइट साइड में आपको बारकोड का जितना भी दिखाई देती है ना, ये देखिए उसमें आपने क्लिक कर दीजिए और बारकोड में क्लिक कर दीजिए दोस्तों, देखिए मग पर्स ये सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये 2x1 इंच का स्टिकर है, डुअल स्टिकर, ये देखो इधर मग लिखा है, इधर पर्स लिखा है, आपने नेक्स्ट बटन में क्लिक करेगा ना इधर ऊपर जा करके, तो सारे के सारे ये आपको थर्मल प्रिंटर में प्रिंट कर सकता है, ये देखो TV या UPS है ना, इस तरीके से आपको यानी बाहर कोड लेबल्स क्रिएट कर सकते हो, प्रिंट कर सकता है, सारे प्रोडक्ट में चिपका सकता है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा यानी मैनेज करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा बार कोडिंग सिस्टम, और आपको इस तरीके से बार कोड टेबल टॉप वाला है हनीवेल का,
तो इस तरीके से ले सकता है, थोड़ा सा महंगा है और उसके सस्ता भी आती है, जो गन अपने हाथ में लेती हाथ में लेके जो स्कैन करता है ना, जो TVS वगैरह कंपनी की आती है 2500 रुपीज़ वगैरह में, या 2700 आई थिंक। तो इस प्राइस बजट में भी आपको बार कोड गन मिलती है, उससे सस्ता भी आती है, चाइना वाला जो है 1500 वाला भी आती है। तो ये सब कुछ आपको अपना बिजनेस बहुत आसान करने के लिए हेल्प करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।